हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप बहुत ज़्यादा अच्छे से होंगे। तो आज इस वीडियो में मैं आपके साथ बात करूंगी कि जो पिगमेंटेशन हो जाता है, चेहरे पर झाइयाँ हो जाती है, उसे कैसे दूर किया जाए। आपको इस वीडियो में मैं कारण बताऊंगी और एक फेस पैक बताऊंगी जिसे लगाकर आपके जो चेहरे की जो झाइयाँ हैं वो एकदम से ख़त्म हो जाएंगी। सिर्फ 7 डेज में आपके चेहरे की पिगमेंटेशन, झाइयाँ, रंजकता बोलते हैं जिसको, वो ख़त्म हो जाएंगी। सबसे पहले आपने एक काम करना है कि अपना पहले जाकर HP चेक करवाना है। आपका HP कितना है, आपका हीमोग्लोबिन कितना है। अगर आपका हीमोग्लोबिन 12 ग्राम से कम है तो आपको डेली आयरन की एक टैबलेट लेनी होगी, जिससे आपका जो हीमोग्लोबिन वो इंक्रीज होगा। क्योंकि मुख्य कारण ये माना जाता है कि अगर आपके शरीर में खून की कमी है तब आपके चेहरे पर झाइयाँ पड़ना स्टार्ट होती है। उस कमी को दूर करना है, अपनी डाइट को थोड़ा सुधारना होगा। आपको फल फ्रूट ज़्यादा खाने होंगे, हरी पत्तेदार सब्जियाँ आपको खानी होगी, डाइट में शामिल करनी होगी। जंक फूड आपको टोटली बंद करना होगा, तब जाके आपके चेहरे पर झाइयों की जो प्रॉब्लम है आपकी वो सॉल्व हो सकती है। और एक फेस पैक मैं बताऊंगी आपको जिसे लगाकर आपके चेहरे की जो झाइयाँ है वो 7 दिन के अंदर धीरे धीरे कम कम होती एकदम से ख़त्म हो जाएंगी, एकदम से गायब हो जाएगी। आपको ऐसा फील होगा जैसे आपके चेहरे पर झाइयाँ थी ही नहीं। बहुत ही ज़्यादा ये इफेक्टिव रेमेडी है, इसे एक बार ट्राई जरूर करना। आपके चेहरे पर छोटे छोटे जो दाग धब्बे होते हैं वो पिगमेंटेशन होते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी में मेलानोसाइट नाम का एक सेल पाया जाता है। जब वो मेलानिन का प्रोडक्शन करता है, जब मेलानोसाइट सेल में कुछ गड़बड़ी हो जाती है या उसको पूरे न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलते हैं तो वो मेलानिन का प्रोडक्शन ज़्यादा करना स्टार्ट कर देता है। तो आपकी जो स्किन है वो काली पड़ना स्टार्ट हो जाती है, तो उसे पिगमेंटेशन बोलते हैं, हाइपर पिगमेंटेशन बोलते हैं, काफ़ी तरह के होते हैं, रंजकता बोलते हैं जिसको। तो आपको ये देखना है कि किस कारण की वजह से आपके चेहरे पर पिगमेंटेशन आना स्टार्ट हुआ है। इसका पहला कारण है कि अगर आप बहुत ज़्यादा धूप में घूमते हैं तब आपके चेहरे पर पिगमेंटेशन हो जाता है। दूसरा कारण, आप हेल्दी डाइट नहीं ले रहे तब आपके चेहरे पर पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम हो सकती है। तीसरा इसका कारण है कि प्रेगनेंसी के दौरान जब पूरे न्यूट्रिएंट्स जो हमें चाहिए होते हैं वो हम नहीं ले पाते तब चेहरे पर पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम आना स्टार्ट हो जाती है। चौथा कारण है कि आयरन की कमी। अगर आपके शरीर में खून की कमी है तब आपके चेहरे पर पिगमेंटेशन आना स्टार्ट हो जाती है। तो आपको देखना है कि कौन सी कमी है आपके शरीर में, उसे दूर करना है। अगर आपके मेन मुख्य कारण HP हीमोग्लोबिन की कमी अगर आपके शरीर में है तो आपके चेहरे पर पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम आना स्टार्ट हो जाती है। तो इसे कैसे दूर करना है, तो हेल्दी डाइट लेनी होगी आपको, और आयरन की मार्केट में टैबलेट्स वगैरह मिलती हैं वो खा लीजिए, और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स उसके कारण कमी से भी आपके चेहरे पर पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम हो सकती है। तो एक बार डॉक्टर से कंसल्ट करके आप उनसे राय मशवरा करके स्टार्ट कर सकते हैं। मैं फेस पैक आपको बता रही हूँ वो लगाने से 7 डेज में आपको फ़र्क महसूस होगा। और एक बात सुन लीजिए, ये धीरे धीरे ठीक होगी, एकदम से कोई यहाँ पर चमत्कार नहीं होने वाला है कि आप एक बार लगाओगे तो आपकी पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। धीरे 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 ये ठीक होगी, पड़ी भी एकदम से नहीं थी, धीरे धीरे पड़ी थी, तो ठीक भी ये धीरे धीरे ही होगी, एकदम से नहीं होने वाली है ये ठीक। पहले तो बढ़ती उम्र के साथ ये समस्या ज़्यादातर पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम देखने को मिलती है, पर आजकल ये छोटी उम्र में ही आना स्टार्ट हो गई है। इसका कारण है कि लोग बाहर की जो अनहेल्दी डाइट को फॉलो करते हैं, जंक फूड वगैरह ज़्यादा खाते हैं, हेल्दी डाइट नहीं ले पाते हैं, तो उसका ये इसका एक मुख्य कारण हो सकता है। हम क्या करेंगे, 2 चम्मच के करीब चावल का आटा लेंगे। चावल का आटा अगर हम चेहरे पर लगाते हैं तो वो हमारी डेड स्किन को रिमूव करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। धीरे धीरे आप डेली इसका यूज़ करेंगे। देखिए, जिनको पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम है वो इसका डेली यूज़ कर सकते हैं, जिन्हें पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम नहीं है वो हफ्ते में इसे 2 बार यूज़ कर सकते हैं। बहुत आसान है, हेल्दी वे है ये, बहुत ही आसानी से आपका जो चेहरा है वो निखर के आएगा सामने। पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम नहीं है तब भी आप इसको लगा सकते हैं अपने चेहरे पर, तो और आप इसे लगाते रहेंगे तो आपको पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम ज़िंदगी में कभी, लाइफ में कभी फेस ही नहीं करनी पड़ेगी। बहुत ही ज़्यादा ये हेल्दी फेस पैक है, इसे आप आसानी से घर पर यूज़ कर सकते हैं। तो 2 चम्मच के करीब चावल का आटा ले लेंगे, और हमने 1 लेमन लेना है, और 1 लेमन हम इसमें निचोड़ देंगे। अगर देखिए, अगर आपको लेमन जूस सूट नहीं करता है तो आप उसकी जगह टमाटर का जूस ले सकते हैं और उसका एक पेस्ट बना लीजिए, और आप इसमें ऐड कर सकते हैं हनी, 1 चम्मच हनी या आधा चम्मच हनी इसमें ऐड कर लीजिए। ये आपकी स्किन को अंदर से मॉइस्चराइज करता है, एंटी बैक्टीरियल एंटी फंगल प्रॉपर्टीज इसमें पाई जाती हैं, बहुत ही ज़्यादा बेस्ट है हनी स्किन के लिए। और हम इसमें 1 लेमन जूस निचोड़ देंगे, एक ही निचोड़ना है आपने, ज़्यादा नहीं। और जो बाकी, देखिए पानी ऐड करना पड़ेगा इसमें, क्योंकि सेमी थिक पेस्ट तभी बनेगा। लेमन हम अपनी स्किन पर ज़्यादा नहीं लगा सकते क्योंकि लेमन होता है एसिडिक,
तो बहुत ज़्यादा लेमन हम अपनी स्किन पे यूज़ नहीं कर सकते, तो इसे डाइल्यूट करने के लिए थोड़ा सा हम इसमें पानी ऐड करेंगे। बाकी जो पानी ऐड करके इसका सेमी थिक पेस्ट हम बना लेंगे। तो ये देखिए मैंने इसे इस तरह से बना लिया है। इसे किस तरह से अपने चेहरे पर लगाना है, आपको अगर इसका सही तरीका पता होगा किस तरह से इसे हटाना है, तो आपको इसकी बहुत ज़्यादा फायदे हो सकते हैं। तो इसलिए वीडियो को एंड तक पूरा देखना। तो इसका पेस्ट सा बना लेना है और करीब 30 मिनट तक इसे अपने चेहरे पर लगा रहने दीजिए। जब 30 मिनट ये आपके चेहरे पर लगा रहेगा, हाँ देखिए जो चावल का आटा है होता है वो आपके स्किन से एक्स्ट्रा ऑयल तो रिमूव करता ही है साथ में, और आपकी जो डेड स्किन है वो भी रिमूव हो जाएगी। धीरे धीरे आपकी जो नई स्किन आएगी, स्किन को रेजुविनेट करता है। नाइट क्रीम का वीडियो मैंने थोड़े दिन पहले अपलोड किया है, उसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, वहाँ से देख सकते हैं आप इस वीडियो को देखने के बाद। वो नाइट क्रीम को अगर आप रात को लगा कर सोते हैं तो आपकी स्किन बहुत ज़्यादा मॉइस्चराइज हो जाती है, रिंकल फ्री हो जाएगी, बहुत ही ज़्यादा स्किन के लिए हेल्दी रहेगा वो जेल। तो उसे आप एक बार ज़रूर देख लेना। और ये अगर आप सारी चीज़ें करते हैं, स्किन को कभी ड्राई मत रहने दीजिए, मॉइस्चराइज कीजिए, स्किन को ड्राई नहीं रहनी चाहिए कभी भी। ये देखिए इसे 30 मिनट हो गए हैं, थोड़ा सा सूख चुका है, काफ़ी सूख चुका है, तो इसे हल्के हाथ से निकल जाता है, बहुत आसानी से निकल जाता है ये। तो मैंने लिप्स पर भी लगा लिया था, आप गर्दन पर भी लगा सकते हैं इसको, तो थोड़ा डार्कनेस कम हो जाएगा उसका। तो इसे आसानी से, बहुत ज़्यादा ज़ोर से नहीं करना आपने, बिल्कुल हल्के हाथ से ये इसे निकल जाएगा। तो उसके बाद अपने चेहरे को सादे पानी से धो लीजिए और उसके बाद चेहरे को मॉइस्चराइज कर लीजिए। आई होप वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल हेल्पफुल रहेगा। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।